डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर तैयार है आईपीएल के इस खिताब को डिफेंड करने के लिए। आईपीएल 2019 में आईपीएल में एक कहावत बन चुकी है अब कि 7 टीमें भाग लेती हैं फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला खेलने के लिए, और इसका सबसे बड़ा कारण रहा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने हर बार प्लेऑफ्स में जगह बनाई है। इन्होंने खेले अब तक 9 सीजन में 9 प्लेऑफ्स खेले हैं, इनमें 7 फाइनल और 3 बार चैंपियन रही है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसका सबसे बड़ा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को जाता है जिन्होंने शानदार कप्तानी से 9 बार प्लेऑफ्स में पहुँचाया है चेन्नई सुपर किंग्स को, वहीं पर 7 बार फाइनल में पहुँचाकर 3 बार चैंपियन बनाया है। तो चले आप भी सीएसके के फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चले दोस्तों अब बात कर लेते हैं आईपीएल 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 के बारे में कि कौन सी प्लेइंग 11 के साथ चेन्नई सुपर किंग्स उतरने वाली है इस बार। तो सबसे पहले ओपनर होने वाले हैं इनके शेन वाटसन, पिछले साल शानदार फॉर्म दिखाई थी शेन वाटसन ने और 2 शतक जमाए थे और फाइनल में भी शानदार शतक जमाकर चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाया था, और फिर से तैयार हैं यहाँ पर आईपीएल 2019 में भी चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर चैंपियन बनाने के लिए, और ये कारनामा ये कर सकते हैं क्योंकि शानदार ओपनिंग से। वहीं पर दूसरे ओपनर होने वाले हैं इनके साथ अंबाती रायडू, दोनों से उम्मीद है यहाँ पर शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप करें। अंबाती रायडू ने पिछले साल काफी शानदार खेल दिखाया था जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इन्होंने ओपनिंग करते हुए, और एक बार फिर यही उम्मीद है इनसे कि एक बार फिर उसी तरह की पारियाँ खेले जिससे चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पर एक बार फिर फाइनल में पहुँचे। वहीं पर तीसरे नंबर पर आने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स की धड़कन सुरेश रैना, काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, हर साल इन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया और एक बार फिर तैयार हैं आईपीएल 2019 में भी उसी तरह का प्रदर्शन करने के लिए। हाईएस्ट रन गेटर हैं आईपीएल के अब तक सुरेश रैना और 5000 रन पूरे करने वाले हैं आईपीएल में सुरेश रैना। वहीं पर नंबर 4 पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स के दिल या फिर यूं कहें तो कैप्टन कूल, एक बार फिर अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी और स्टंपिंग से यहां पर टीम को जिताने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स को, एक बार फिर फाइनल में पहुँचाने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी। जिस तरह की कप्तानी इन्होंने पिछले साल की थी और पिछले साल 30 से भी ज़्यादा छक्के जड़े थे, उम्मीद है एक बार फिर उसी तरह का प्रदर्शन करें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए महेंद्र सिंह धोनी। वहीं पर नंबर 5 पर आते हैं केदार दमदार जाधव, पिछले साल पहले ही मैच में चोटिल गए थे और आईपीएल से भी बाहर हो गए थे, और इस साल अब इनके पास मौका है पूरा आईपीएल खेलने का और अपनी टीम के लिए पिछले साल पहले ही मुकाबले में जिस तरह से फिनिश किया था मुकाबले को उसी तरह का प्रदर्शन करके एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन करे। वहीं पर आप आते हैं ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा रॉकेट थ्रो के लिए जाने जाते हैं, साथ ही शानदार गेंदबाजी और एक शानदार बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो यहां पर इनके ऑलराउंडर प्रदर्शन पर काफी डिपेंड होगी चेन्नई सुपर किंग्स ये अपने बल्ले से किस तरह का योगदान देते हैं, सबसे जरूरी इनका बल्ले से योगदान देना है इस बार। वहीं पर इसके बाद एक और ऑलराउंडर आते हैं यहाँ पर नंबर 7 पर डीजे ब्राओ, इनकी बल्लेबाजी गेंदबाजी और फील्डिंग कमाल की है, शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं लगातार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और एक बार फिर उसी तरह का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे हमें। पिछले साल भी काफ़ी शानदार तरीके से मैचों को फिनिश किया था और साथ ही इनका मैच विकेट मिलने के बाद जो इनका मनोरंजन होता है वो भी काफ़ी देखने लायक होता है दर्शकों के बीच। वहीं पर अब आते हैं गेंदबाजी की तरफ से, तो यहाँ पर स्पिन गेंदबाज में इमरान ताहिर को जगह मिल सकती है, हालांकि मिचेल सेंटनर है लेकिन फिर भी इमरान ताहिर के यहाँ पर खेलने के ज़्यादा चांस है क्योंकि काफ़ी शानदार गेंदबाज है और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पिछले साल ये मुकाबले खेल चुके हैं, तो एक बार फिर खेलते हुए नजर आ सकते हैं इमरान ताहिर। वहीं पर इसके बाद आते हैं स्विंग गेंदबाज दीपक चहर, शानदार स्विंग करवाते हैं गेंदों को और पिछले साल शानदार विकेट चटकाए थे, शुरुआती झटके दिए थे कई टीमों को और एक बार फिर तैयार हैं इस साल भी। पिछले साल इनके शानदार प्रदर्शन के चलते इन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई थी इसी प्रदर्शन के चलते, और एक बार फिर यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि उसी तरह का प्रदर्शन जारी रहे। वहीं पर अब आते हैं लुंगी निगिडी, यह आते हैं साउथ अफ्रीका से, काफ़ी शानदार गेंदबाज हैं तेज गेंदबाजी से, पिछले साल भी डेथ ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और महेंद्र सिंह धोनी ने इनको काफ़ी अच्छी तरह से गाइड करके काफ़ी शानदार तरीके से गेंदबाजी करवाई थी। और अब आते हैं आखिरी गेंदबाजी की तरफ, तो वो है मोहित शर्मा, मोहित शर्मा को इस साल 5 करोड़ रुपये देकर खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने, एक बार फिर इनकी चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी हुई है, ये पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार गेंदबाजी कर चुके हैं और एक बार फिर उम्मीद है कि इस साल भी शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आए मोहित शर्मा और सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बने। तो यहाँ पर तैयार है चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2019 में, एक बार हम पूरी टीम को फिर से स्क्रीन पर देख लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर खेलने वाले हैं। सबसे पहले आएंगे शेन वाटसन, फिर अंबाती रायडू, फिर सुरेश रैना, एमएस धोनी, इसके बाद केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, डीजे ब्राओ, इमरान ताहिर, लुंगी निगिडी, दीपक चहर और मोहित शर्मा, ये प्लेइंग 11 हो सकती है पहली प्लेइंग 11। और इसके बाद कई बैकअप प्लेयर हैं जिसमें आते हैं फाफ डु प्लेसिस, शार्दुल ठाकुर, कर्ण शर्मा, सेम बिलिंग्स, हरभजन
सिंह और इनके बाद मिचेल सेंटनर, मार्क वुड और डेविड विली, ऐसे इनके पास बैकअप प्लेयर भी मौजूद है जो काफ़ी शानदार है, यानी कि वो भी कभी भी प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि कौन से बैकअप प्लेयर यहाँ पर इस टीम में होना चाहिए, जो प्लेइंग 11 आपको इस समय दिख रही है उसके अंदर खेलना चाहिए, कमेंट जरूर करें। और साथ ही आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और आईपीएल के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चेन्नई सुपर किंग्स की इस प्लेइंग 11 कैसी लगी या फिर चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर चैंपियन बनने वाली है तो कमेंट जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।